स्वागत है आप सभी का हमारी इस दुनिया में। एक बार फिर से अर्ज किया है, जब देखी होगी उसने आपकी तस्वीर तो उसे याद आ रही होगी, जब देखी होगी उसने आपकी तस्वीर तो उसे याद आ रही होगी। एक रात तो रो रो के कट गई होगी, एक रात तो रो रो के कट गई होगी, दर्द मुझे भी है इस बात का कि अगली रात फिर से आ रही होगी। सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, इंडियास लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे मेरे अपकमिंग जितने भी कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने एक नाम लिखा है कंडीशनल सेंटेंस का। आप सबने ये देखा होगा, भाई साहब मैं कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं इसके सहारे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करने वाला हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। इसकी नॉलेज रखना जरूरी है, इसकी नॉलेज करने के लिए जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आप सबको यहाँ सिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में किस तरीके से इसका रिलेशन है, कैसे है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का रिश्तेदार, चलिए सीख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कंडीशन को क्रिएट करता है। कंडीशन क्रिएट करने वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा, यदि आप आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यहाँ एक कंडीशन है, भाई साहब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त है, यदि आप आओगे तो पढ़ाऊंगा ना, वो आपसे जरूर मिलेगी, बशर्ते आपको वहां जाना होगा। भाई साहब मिलेगी वो आपसे, लेकिन एक शर्त है कि आपको वहां जाना होगा। देन यहाँ कंडीशन क्रिएट हो रही है। जहां भी कंडीशन सेंटेंस में क्रिएट होती हैं, उन सारे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। आप सभी को अगर कंडीशनल सेंटेंस से थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, आप अनअकैडमी पे जाके हिमांशु यादव सर करके सर्च कर सकते हैं। वहां अनअकैडमी पे मैंने इस चैप्टर को एक एक चीज को समझाया है, आप आसानी से वहां जाके समझ सकते हैं। मैं फिलहाल बात करता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस में एक ऐसा क्लॉज होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉज मुझे मिलते हैं, क्लॉज वन एंड क्लॉज टू। मैं किताबी ज्ञान पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहता, इसीलिए मैंने आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखवाया कि इसमें दो क्लॉज होती हैं। एक क्लॉज को मैं ये बोलूंगा कि ये कंडीशन क्रिएट करती है, और अपनी लैंग्वेज में कंडीशन क्लॉज, कंडीशन क्रिएट करती कोई भी क्लॉज, तो मैं उसे कंडीशनल क्लॉज बोलने से थोड़ा सा भी परहेज नहीं करूंगा, क्योंकि जो सेंटेंस कंडीशन क्रिएट कर रहा है उस सेंटेंस को मैं कंडीशनल सेंटेंस कह रहा हूँ। जो वर्ड कंडीशन क्रिएट करेगा मैं उसे कंडीशनल वर्ड कहूंगा, जो लड़का कंडीशन क्रिएट करेगा मैं उसे कंडीशनल बॉय बोलूंगा, जो लड़की कंडीशन क्रिएट करेगी मैं उसे कंडीशनल क्रिएट कहूंगा। कोई क्लॉज ऐसा है जो कंडीशन क्रिएट करता है तो मैं उसे कंडीशनल क्लॉज कहूंगा, तो मैंने इसे कंडीशनल क्लॉज नाम दिया। जरूरी नहीं है पहली वाली क्लॉज ही कंडीशनल क्लॉज होगी, हो सकता है ये वाली क्लॉज भी कंडीशनल क्लॉज बन जाए। अगर ये कंडीशनल है तो मैं इसे समझने के लिए नाम दूंगा कि ये मेन क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। आप सोच के बताओ, यदि यदि बशर्ते जब जैसे ही, ये सारे वर्ड कंडीशन क्रिएट करते हैं, हाँ या ना करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, करते हैं। जब ये सारे वर्ड्स कंडीशन क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे कंडीशनल वर्ड्स होंगे, तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि कंडीशनल सेंटेंस कभी भी विदाउट कंडीशनल वर्ड क्रिएट नहीं हो सकता। और यदि ये कंडीशनल वर्ड क्रिएट नहीं होगा तो मैं इसकी यहीं से आइडेंटिफिकेशन पकड़ लूंगा। आइडेंटिफिकेशन क्या बनेगी, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी कंडीशनल वर्ड लिखा है उस सेंटेंस को मैं कंडीशनल सेंटेंस कहूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में कोई कंडीशनल वर्ड यदि मिलता है मुझे, देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्या लेना देना है, हम उसकी बात करते हैं। एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस में अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते आए थे।
रिपोर्टिंग स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच तक ये देखा था हमने कि रिपोर्टिंग स्पीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा, उस रिपोर्टिंग वर्ब के कुछ पार्ट्स पढ़े थे हमने, वो प्रेजेंट में हो सकता है, वो फ्यूचर में हो सकता है, वो पास्ट में हो सकता है। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो उसे हम चेंज नहीं करते, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते, और यदि पास्ट में होता है देन वी विल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट और रूल्स कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द इनडायरेक्ट स्पीच। यही हमने सीखा था। इसका मतलब ये हुआ था कि हमने इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर भी दोनों सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाया था, और उस कॉम्बिनेशन को बनाते समय हमने एक कंजंक्शन का यूज किया था, एक कंजंक्शन का यूज किया था, वो कंजंक्शन दैट भी यूज किया था हमने, दैट की जगह हमने उसे इफ का भी नाम दिया था। कई बार हमने एक डब्ल्यू एच वर्ड को भी कंजंक्शन बनाया था। उसके बाद हमने टू से भी सेंटेंसेस को कनेक्ट किया था क्योंकि इन्फिनेटिव बन रहा था। आप सभी को वो सारी चीज़ें याद होंगी जो मैंने आपको समझाई थी। अब यहाँ से दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो रही है, कंडीशनल सेंटेंसेस को अलग से मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा, क्योंकि मैं तो ये बोल रहा था ना कंसेप्ट है हर सब जगह काम करेगा, ऐसी कौन सी बात बीच में फंसी जो कंडीशनल सेंटेंसेस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए मुझे अलग से पढ़ाना पड़ा, समझने की कोशिश करो। यहां मुझे एक दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए था, एक कंजंक्शन या तो दैट था, दैट ना होकर इफ था। अब इधर देखो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कंडीशनल वर्ड है, वो कंडीशनल वर्ड इफ हो सकता है, वो कंडीशनल वर्ड व्हेन हो सकता है, वो एज सून एज हो सकता है। यदि अगर मैं बात करता हूं आप दैट का यूज कर रहे हो तो ठीक है, आपने दैट का यूज कर लिया। कोई भी सेंटेंस डब्ल्यू एच ई एन से स्टार्ट है, बाद में आपके रिपोर्टेड स्पीच भी कोई इंटरोगेटिव है, तो क्या दो डब्ल्यू एच वर्ड को साथ साथ लिखोगे आप? क्या इफ और दैट दोनों को साथ साथ लिखा जा सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई बार ऑप्शन में देखते हैं दैट और इफ एक साथ लिखा है, हटा दो, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। नहीं सर, इम्पॉसिबल नहीं, हाँ आएगा नहीं सब जगह, नहीं हमेशा की बात नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। दैट और इफ दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, जब अब तक पढ़ा है उस सब में, जो अब हम आज पढ़ रहे हैं इस सब में वही होने वाला है जो हम अब तक सोचते आए हैं कि ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या एक कंडीशनल सेंटेंस की जो मैं बात कर रहा था, इस कंडीशनल सेंटेंस का कहीं भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूज होगा, मैं इसे दोबारा से लिख कर आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कि कहीं भी कोई कंडीशनल हम सेंटेंस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो, रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशनल सेंटेंस यदि लिखा होगा तो इस कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशनल वर्ड दिया होगा जो कंजंक्शन की तरह दिख सकता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के अपना एक कंजंक्शन यूज करना है, और वो कंजंक्शन दैट होगा। वो कंजंक्शन क्या होगा? दैट। क्या होगा? दैट। हर कंडीशन में, चाहे वो इफ की बात कर रहा है, कंडीशनल वर्ड इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, व्हाटएवर, जो भी हो सकता है, हम यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। उम्मीद करता हूं आपने ये पॉइंट पकड़ लिया होगा। इस पॉइंट के बेस पे मैं 5-7-8 सेंटेंस लिखता हूं, उन सेंटेंस पे काम करते हैं। उम्मीद करूंगा वो जो दर्द है वो हल्का होगा। आइए सीखते हैं। हमें पहचानना होगा रिपोर्टेड स्पीच कंडीशनल सेंटेंस में तो नहीं बनी। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अभी एक ही चीज समझाई थी, कंडीशनल सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कंडीशनल वर्ड को पहचानना होगा। अगर मुझे कंडीशनल वर्ड मिल गया तो मेरा काम वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, वहीं पे बन जाएगा मेरा काम कि बस मुझे इसी की थी जरूरत। और हम हैं ही ऐसे, जिस चीज की जरूरत होती है वही हम लेते हैं, आलसी लोग ठहरे इंडिया के। चलिए मैं भी हूं यार, आपको नहीं कहा। इफ एक कंडीशनल वर्ड है, यदि, जहां भी अगर मगर जैसी कोई बात आ जाए कंडीशन क्रिएट होगी, हाँ या ना, बिल्कुल सही कहा, ये इफ कंडीशनल वर्ड है। उसके बाद एक सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं कर रहा। यहां फिर से लिखा जब, जब आप मिले थे तब मैंने आपको देखा था, तो जब एक कंडीशन क्रिएट हुई, हाँ या ना, बिल्कुल सही कहा, तो कंडीशनल सेंटेंस हुआ। इफ फिर से मिला, अभी हम इससे मिलके आए हैं। एक और बात याद रखें, एक और छोटी सी बात याद रखना बच्चा, कि कहीं भी इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है जरूरी नहीं है वो कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही काम करेगा,
वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़े फिर से। सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस होने के साथ साथ, इफ कंडीशनल वर्ड होने के साथ साथ मुझे दूसरा क्लॉज भी चाहिए। यहाँ देख सकते हो आप दोनों क्लॉजेस हैं तभी मैं इसे कंडीशनल सेंटेंस बोल पा रहा हूँ। अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है आगे देखते हैं। आगे लिखा है व्हेन, अब व्हेन से कंडीशनल सेंटेंस ही नहीं बनेगा, कंडीशनल सेंटेंस तब बनेगा जब उसमें दो क्लॉजेस भी हो। तो कंडीशन को क्रिएट करने के लिए दूसरा क्लॉज भी चाहिए मुझे। इसने कंडीशन क्रिएट की, इसने बात को सामने रखा, समझ पा रहे हो बात। तो ये चारों सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच मेरा कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट से कनेक्ट करता है। अब मैं श्योर हूं मुझे इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर सब जगह दैट लिखना होगा। चाहे आप कहें तो मैं पहले ही लिख देता हूं, यहां भी दैट आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास की जगह यहां भी दैट आना चाहिए, और यहां भी दैट, और यहां भी दैट। पहला काम खत्म हुआ मेरा। अब सारे वही काम जो हम पहले करते आए हैं वो यहां पर करने हैं। कैसे एक बार देखते हैं। एट दैट, अब यहां मैंने इसको इसकी तरह ही लिख दिया जैसे लिखा था। अब यहां हमारे माइंड में एक बात चलती है, ऑप्शन जब हमारे सामने होते हैं एग्जाम में बैठे होते हैं, कि दैट के साथ इफ, दैट भी कंजंक्शन, इफ भी कंजंक्शन, भाई साहब दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते। पता नहीं कहां से अंदर से आवाज निकल के आती, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, चाहे वो जो तीन बचे हैं उनमें से कोई हो या ना हो, डजंट मैटर, चाहे कोई पांचवा लगाना पड़ जाए, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। नहीं सर ऐसी गलती मत करना, यही होगा। कंडीशनल सेंटेंस में दैट और इफ दोनों साथ साथ लिखे जाएंगे। छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, अपने आप को ज्यादा परेशान ना करें। बाकी सारे काम वही होंगे जो हमने किए हैं। आई फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा, ठीक है अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट हमने यहाँ लिख दिया ही, यहाँ लिखा हैड द टूल्स। अब हैड द टूल्स को हम पास्ट का पास्ट ही बना हुआ है, हैड द टूल्स, आई का फिर से क्या बनेगा, ही कुड रिपेयर द कार। उम्मीद करता हूँ आपने इस सेंटेंस को अच्छे से कनेक्ट किया होगा। इस सेंटेंस में अगर कोई आपको गलती दिखती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, इस सेंटेंस में हो सकता है कोई गलती दिख रही हो, सोच के बताइए बेटा। चलिए इस सेंटेंस की मैं बात अब मैं बाद में ही करूंगा, सोच के बताना कहीं एरर है तो नहीं, मैं आपसे पूछने आऊंगा जरूर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, सी सेड दैट आई कुड रीड व्हेन आई वाज देयर। तो सी सेड, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, सी सेड, अब आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या मेरा सी, सी के बाद कुड लिखा है और कुड का कुड ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं कुड का कुड, क्योंकि कुड अपने आप में ही पास्ट है, उसका कोई दूसरा पास्ट नहीं हो सकता। हम क्या करते आए हैं, जहां भी हम खड़े होते हैं उसका पास्ट बनाते हैं। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का पास्ट बनाया। पास्ट इंडेफिनिट की बात की तो पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट, इसीलिए हमने 1, 3, 2, 4 कोड से भी पढ़ा था, याद है ना आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ रीड लिखा है, रीड लिखा रहेगा, वैन लिखा है तो वैन का वैन लिखा रहेगा, आई को फिर से चेंज किया जाएगा सी में, वो खुद अपने आप में पास्ट है, वो भी चेंज नहीं हो सकता, उसका पास्ट कुछ होगा नहीं, सेंटेंस ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है सेंटेंस, ही सेड दैट, ही सेड दैट, दैट के बाद क्या आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, इफ सी थर्ड पर्सन है अपने आप में चेंज होगा नहीं, हैड कम, क्योंकि हैड अपने आप में क्या है, यहां हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट, इसका कोई पास्ट होगा नहीं, कम टू मी, आई फिर से चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वुड हैव, कई बार बच्चे क्या करते हैं हैव का हेड बना देते हैं, ही वुड हैड, नहीं साहब हेल्पिंग ऑफ तो वुड थी, वुड अपने आप में पास्ट है, उसका पास्ट बनेगा नहीं, तो वुड के साथ हैव एक मोडल की तरह काम कर रहा है, वो करता रहेगा, हैव का हेड नहीं बनाना है। आगे हमने लिखा हेल्प्ड, हर थर्ड पर्सन है चेंज होगा नहीं। उसके आगे सेंटेंस है मेरे पास, दे said, तो they said that, that के बाद when, अब कई बार हम ऑप्शन में देखते हैं कि दो लिखे एक साथ, हटाओ इन्हें, नहीं जी नहीं, करना तो नहीं है ऐसा, अब तो आप सब लोग मुझे ही बता सकते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सभी के सामने, ये मेरे सामने भी खड़ी होती थी जब मैं पढ़ता था इन चीजों को। कई बार टीचर लिख देता था कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, समझ नहीं आता था यू को किसके चेंज, किसके अकॉर्डिंग चेंज करूँ, वहाँ तो ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्ट ना मिले तो आपके पास दो चॉइस हैं,
दो चॉइस में से, अब ये पता लगाओ कि क्या दोनों चॉइस में से दोनों चॉइस हैं। अगर दोनों होंगी तो कहीं ना कहीं दूसरा एरर बन रहा होगा, और दोनों नहीं होगी तो फिर एक होगी, और जो भी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और चॉइस कौन कौन सी है, या तो आप मी मान लो या फिर हिम मान लो। सेंटेंस ये हो सकता है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, या हो सकता है दे सेड टू हिम। बात समझ पा रहे हो? तो आपके पास दो ही चॉइस है ऑब्जेक्ट ना होने पर, एक तो मी या फिर हिम। हिम की जगह आप हर भी ले सकते हो, और ऑप्शन अपने आप बताएंगे आपको। दे सेड टू मी मान लेता हूं मैं, दैट व्हेन यू, अगर मी माना मैंने तो यहाँ आया आएगा, और अगर आपने हिम मान ही, यहाँ से हिम मान लिया तो यहाँ फिर ही आएगा। अब व्हेन यू कम, अभी कम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। केम वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, दे विल का क्या बनेगा, विल का पास्ट वुड गो, देयर का देयर रहेगा, हेयर होता तो देयर करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं मेरे पास, हैं मेरे पास, अभी मैं दिखाऊंगा आप सभी को कि दिखने में लगते हैं वो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की जगह कई बार दिखने में दिखते हैं वो कि वो अपने आप में नेगेटिव। हम क्या करते हैं, उन नेगेटिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को जिस जिस तरीके से उसने पूछा होता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं देता, ना तो वो ऑप्शन ए में होता है, ना बी में होता है, ना सी में होता है, ना डी में होता है। और हमारा क्या माइंड कहता है, हमारा फंडा ये कहता है ऑप्शन ए होगा, ए नहीं होगा तो क्या होगा, बी होगा, बी नहीं होगा तो सी होगा, सी नहीं होगा तो डी होगा, डी नहीं होगा तो फिर केस होगा, हमारा फंडा तो ये कहता है। तो भाई साहब इस फंडे से थोड़ा सा बच के रहना होगा हमें, हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि अगर ऑप्शन में नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई हम गलती कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों का नहीं पता है। हमें सेंटेंस दिखने में लगेगा वो इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में ना तो इंटरोगेटिव होगा वो, ना नेगेटिव होगा, उसमें बात की होगी एडवाइस की, ऑर्डर भी हो सकता है, कोई सजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई इन्विटेशन हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है इनके जैसा कुछ। कैसे कैसे हो सकता है, उन सेंटेंस को कैसे करना, मैं सेंटेंस लिखकर ही आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने जो बात की थी मैं उन सब की बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो सेंटेंस कनेक्ट होगा। देखिए पहला सेंटेंस है, ही सेड इफ यू जस्ट साइन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ये इंटरोगेटिव जैसा लग रहा है, उससे पूछा क्या आप करोगे, करना चाहते हो, आप कर दो प्लीज, इससे ऐसे बोल रहा चाह रहा है वो, तो मैं इस सेड को चेंज करने की बात करता हूँ आपसे। आप क्या करोगे, आप ही सेड दैट इफ, या फिर इसको यहाँ ही उठा के रखोगे तो ऐसे सेंटेंस में फंस जाते हो, ऑप्शन भी नहीं मिल पाता आपको, यार पता नहीं क्या है, फिर आप ऑप्शन उसे लगा देते हो जो आपको ज्यादा लग रहा होता है, ये हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपका सारा देखो जितना भी कंफ्यूजन है, सारा बहम, आपकी सारे मिथ बाहर निकल जाएंगे। ही, मैं सैड की जगह में कुछ और लिखूंगा, यहाँ अगर मुझे इंटरोगेटिव जैसा दिख रहा है ये, तो मैं यहाँ ही आस्क लिखूंगा, ही आस्क्ड, यू लिखा है आपसे पूछा अगर सामने वाला है तो वो मी होगा, तो ही आस्क मी टू साइन द एप्लीकेशन फॉर्म। इनडायरेक्ट तैयार है, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। वही करना है आपको, एक वहां वर्ड सोचकर लिखना है, वो आपको ऑप्शन जरूर बताएगा, 100% आपको वहां दिखाई देगा कि ये ऑप्शन हो सकता है, उस वर्ड को यहाँ लिख के क्वेश्चन अपने आप हाथ में आ जाएगा, जैसे हमने इंपैरेटिव पढ़े थे। बिल्कुल, आगे देखो, राम सेड डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर द व्हिस्की। अब इस सेंटेंस को तो आप आराम से बना सकते हो क्योंकि इंपैरेटिव से बना है। राम, मैंने आपको वहीं पे समझा दिया था, राम अब सेड ना करके डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर द व्हिस्की, तो यहाँ आप लिख सकते हो, ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है आपको, राम रिमाइंडेड हिम, या मी बोल सकते हो आप, जो आप बोलना चाहते हो, मी नॉट, अगर यहाँ मैं नॉट की बात करूँ, नॉट सेंटेंस में एरर बन जाएगा, उसने मुझे रिमाइंड कराया टू ऑर्डर द व्हिस्की, उसने मुझे रिमाइंड कराया, उसे रिमाइंड कराया व्हिस्की को ऑर्डर करने के लिए। भाई साहब भूलना मत, समझ पा रहे हो ना, ऐसे सेंटेंस में हम कई बार क्या करते हैं, हम नॉट वॉट लगा लगा के और उसका नॉट फाड़ देते हैं, और नॉट फट जाता है, नंबर हमारे कम हो जाते हैं। उन चीजों से बचना होगा, नोट को फाड़ना नहीं होगा, नोट को चिपका के ही रखना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक, अब देखने में बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, पूछा जा रहा है क्या आप थोड़ा सा जूस लेना पसंद करेंगे, भाई साहब ले लो थोड़ा सा अगर है तो अंदर तो कुछ। वुड यू लाइक टू टेक जूस, प्लीज एक्सेप्ट,
सेट को उठा के यहाँ लिखा जाएगा। अब आई सेट की जगह में सेट की जगह में क्या लिख दूं, क्योंकि इंटरोगेटिव की बात कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, आस्क लिखूंगा, आई आस्क किससे, मी से, आप मी तो नहीं लिख सकते, आप यहाँ आई लिखे हैं तो आई आस्क हिम टू टेक जोश। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, इस सेंटेंस को अपने आप बना दोगे आप, कुड यू फिर से, तो द टीसी, टीसी बोले तो टिकट कलेक्टर आस्क टू, सो मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है मेरा, टीसी यू, टीसी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर, ही, ऑब्जेक्ट है तो हिम आएगा, सो हिम योर टिकट, योर का मतलब क्या कहा, द टी सी आस्क किसे, मी आप लिख सकते हैं अगर आप मी लिखोगे, क्योंकि हिम तो कोई और हो चुका है ना, तो ही आस्क मी टू सो हिम माई टिकट। तो ऐसे सेंटेंस को बड़े आसानी से करना है, ऐसे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको वर्ड ढूंढना होगा और ऑप्शन अपने आप बताएंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना जब मैं ऑप्शन कराऊंगा ऑप्शन से, इस सेंटेंस को आप आराम से कर सकते हो, हिज वाइफ, दो तरीके से हो सकता है, आप इसे फॉरबेड से बना सकते हो, फॉरबेड मना किया, टू टेक रिस्क ऐसे बना सकते हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उन्होंने बना भी दिया होगा, और अगर ऐसे ना बनाओ तो आप बैग से बोल सकते हो इस सेंटेंस को, हिज वाइफ, वो ऑप्शन अपने आप बताएंगे आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो सेंटेंस हमारे हिसाब से सही बन रहे हैं और दोनों लिखे हैं, दोनों लिखे हुए नहीं हो सकते हैं। बैग नॉट टू टेक रिस्क, नॉट के बाद टू क्यों लगाया, ये भी आपको समझाया था, क्योंकि इन्फिनिटिव बनाने के लिए हमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कई बार हम दैट और इसको साथ साथ क्यों चिपका देते हैं, कि कौन सी हमारी मजबूरी है कि हमारे उसके सामने हमारी नहीं चलती, हमें उसकी बात को मानना पड़ता है, वो सारी बातें आप लोगों ने सीखी हैं, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी। मैं एक एक स्टेप करके अब आपको उसी लेवल पे लेता जाऊंगा जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जो जॉइंट सेंटेंस होते हैं, दो दो तीन तीन सेंटेंस एक साथ लिखे होते हैं, किस तरीके से कई कई नए नए वर्ड आ जाते हैं, उन वर्ड का कहां से यूज़ है, क्यों है यूज़, ज़बरदस्ती सेकेंड्स में देखना, सेकेंड्स में आप तक इनडायरेक्ट बनाना सीखोगे आप, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बड़ा आसान है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे और हमने आप सबको जो पढ़ाया है आप उसे पसंद करते हैं, तो आप सब लोगों तक पहुँचाइए। आप यहाँ आते हैं, आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है नए नए लेक्चर बनाने के लिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।